नमस्कार दोस्तों, पीछे स्वाट सलामी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 का प्रश्न पत्र हम आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। यह परीक्षा जो होती, परीक्षा तिथि 18 सितंबर 2016, यह पूरा का पूरा बाल विकास का पेपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जिसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न है, और इस तरह से बाल विकास के बाद हिंदी का, फिर संस्कृत का, अंग्रेजी का, गणित का, सभी हम 2016 का पूरा सॉल्व करवा देंगे। 2016 के बाद 2015, 2014, 2012 सबका सॉल्व होगा दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। लेव वाइगोटस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, यह पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यह है और चार ऑप्शन है, सहयोगी प्रोजेक्ट विधि, मानवीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, इसी प्रकार की वरीयता देंगे। तो देखिए प्रश्नों का लेवल क्या है, प्रश्नों का लेवल यही है कुल मिलाकर। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए वाइगोटस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। इनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। यह पूरा का पूरा व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, चार ऑप्शन हैं, तो आप चारों ऑप्शन को देखिए। इसमें जो विकल्प सी है वही सही है। अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिससे सभी छात्रों को लाभान्वित हो सकें। देखिए कुल मिलाकर देखिए यह बहुत ही बोधगम्य प्रश्न होता है सीटेट में, जिसको आपको सही से आकलन करना होता है। तो इसमें विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन पर देखिएगा। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, उसके बाद चार ऑप्शन हैं, आप चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प बी इसमें सही है, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, फीडबैक प्राप्त हो, तभी आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। तो यह इसमें विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक की जो भूमिका है इसमें सुविधादाता की है। विकल्प डी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें विकल्प ए सही है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिक कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो इसमें विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पर। विशेष आकलन वाले बच्चों को शामिल करना, इसमें विकल्प डी सही है कि विशेष आकलन वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको देखते हैं, तो इसमें विकल्प बी सही है। विकल्प बी इसमें सही है, मतलब सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं,
विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा, देखिए जब विविध प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त जब बच्चों की कक्षा होती है जिसमें तरह तरह के बच्चे होते हैं, हर पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे होते हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ता है कि सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। कोई किसी पृष्ठभूमि से आया हुआ था रहता है, कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आया हुआ था, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में असमर्थ बच्चा, उसके बाद चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा सही से। सुनने में असमर्थ बच्चा, इसमें विकल्प सी सही है। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तो। तो यही है विकल्प सी, इसमें सही है। प्रश्न नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पर देखिएगा। इसकी पीडीएफ जिसको आवश्यकता होगी बताइएगा, इसकी पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, तो इसमें विकल्प बी सही है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो इसमें कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, तो बात दरअसल यही है कि प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती हैं, अगर गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा वह उबने लगता है प्रतिभावान छात्र। प्रश्न नंबर 10 आप लोग की स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें चारों विकल्प को आप पढ़ लीजिएगा। विकल्प डी इसमें सही है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ये शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे वह प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, इसमें विकल्प डी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 11 आप लोग की स्क्रीन पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से इसमें सही हैं यह बताना है आप लोग को। तो इसमें जो विकल्प बी है वही सही है, विकल्प बी इसमें सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें दो तीन चार इसमें से सही हैं कि बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं, बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक हैं, इसमें तीनों ऑप्शन सही है 2 3 4। प्रश्न नंबर 12 आप लोग की स्क्रीन पर देखिएगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास में प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, कौन सी विधि इसमें सबसे प्रभावी है यह बताना है। तो इसमें विकल्प सी सही है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसमें सही है। प्रश्न नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पर देखिएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उस वातावरण में किस तरह के वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे यह बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, विकल्प ए है इसमें सही है। बालक जहां बेहतर तरीके से सीखते हैं, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है, इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहां बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक केंद्र में होता है और बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्रश्न नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पर देखिएगा। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता और कहता है कि एक पक्षी, इसे बच्चे के विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो इसमें जो सही है इसमें विकल्प डी सही है। विकल्प डी क्या है, विकल्प डी ये है केवल बी सही है इसमें, मतलब जो केवल
बी सही है, मतलब ये बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है ये, कि अगर एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, मतलब वो पक्षी है, इसका मतलब कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, मतलब बच्चा पक्षी को अच्छे तरीके से समझ चुका है कि यह पक्षी है। तो दोस्तों यह पूरा कुल 14 प्रश्न, आप लोग जानते हैं कि जो सीटेट होता है, सीटेट हो या यूपी टेट हो या बिहार टेट हो, कोई भी टेट होता है, तो जो प्राथमिक का टेट होता है आप लोग जानते हैं, उसमें हिंदी रहेगा, हिंदी रहेगा, बाल विकास रहेगा, फिर उसके बाद संस्कृत और इंग्लिश में आपको चूज करना रहता है, फिर उसके बाद गणित रहेगा, फिर आपको उसमें पर्यावरण रहेगा। तो यह कुल 5 पोर्शन होते हैं। तो जो आपका यह बाल विकास है इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न आते हैं, 150 में से 30 प्रश्न बाल विकास या मनोविज्ञान के आएंगे, वह सी टेट में भी आएंगे, यूपी टेट में भी आएंगे, और हर जो भी टेट होता है उसमें आते रहते हैं। तो सी टेट के लिए आप जान लीजिए कि सी टेट में 30 प्रश्न आते हैं। तो 30 प्रश्न में से ये 14 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बताया जा चुका है, और मैं थोड़ा समय की कमी की वजह से इस मैं आप लोग को बता नहीं पा रहा हूँ। हालांकि इसमें पूरे के पूरे ऑप्शन हैं, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। यह देखिए 15वां प्रश्न है, फिर 16वां प्रश्न देख लीजिए, फिर 17वां प्रश्न देख लीजिए, फिर 18वां प्रश्न देख लीजिए, 19वां प्रश्न देख लीजिए। इसमें क्या है कि प्रश्न दिया हुआ है और 4 उत्तर दिए हुए हैं, जो ऑप्शन सही है इसमें आंसर सी दिया हुआ है, उसको पूरी पूरी व्याख्या दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसका पीडीएफ जिसको आवश्यकता होगी वो पीडीएफ में भी मैं दे दूंगा। 19वां प्रश्न देखिए, ये देखिए 20वां प्रश्न, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, यह सन 2016 का पेपर है सी टेट का। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, इसको आप अच्छे से देख लें और प्रश्नों को पढ़ लें, फिर उत्तर को देख लें, जो ऑप्शन सही है इसमें आंसर व्याख्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 23 भी देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 23 23 की व्याख्या ये है, प्रश्न नंबर 24। थोड़ी समय की कमी की वजह से, हालांकि मैं 14 प्रश्नों का व्याख्या कर चुका हूं और बाकी व्याख्या इसमें मौजूद है, खुद आप देख सकते हैं, प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और चारों विकल्प हैं, चारों विकल्पों को देख सकते हैं, और जो ऑप्शन सही है इसमें व्याख्या सहित बताया भी जा चुका है आंसर में। प्रश्न नंबर 24 आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 25 आप लोग की स्क्रीन पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 26 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 28, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, चारों उत्तर देख लीजिए और विकल्प देख लीजिए इसमें से आंसर। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 30 लिंग है, प्रश्न नंबर 30 देखिए लिंग है, लिंग क्या है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या सामाजिक संरचना है। तो लिंग जो है एक जैविक सत्ता है, एक जैविक सत्ता है, ये ऑप्शन सही है। तो ये देखिए बाल विकास मनोविज्ञान के कुल 30 प्रश्न थे और 14-15 प्रश्न का मैंने व्याख्या दिया है, बाकी के लिए मैं स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक कर आपको दिखाया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से आप चारों विकल्पों को देख लें और फिर आंसर सहित आप सही उत्तर का मिलान कर सकें सही से। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और मैं अगर आप लोग को आवश्यकता होगी पीडीएफ की तो पीडीएफ भी मैं दे दूँगा। तो यह सन 2016 का पेपर है और सन 2016 का जो अगला जो भी पेपर रहेगा, यह तो मान लीजिए बाल विकास मनोविज्ञान का है, उसके बाद हम हिंदी के 2016 का पेपर लाएंगे, फिर अंग्रेजी के लाएंगे, संस्कृत के लाएंगे, पर्यावरण के लाएंगे, गणित के लाएंगे, बाकी सभी लाएंगे, और उस तरह से जो भी पिछले ईयर के पेपर हैं वो सभी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल जुड़ जाइएगा। और आप लोग को एक और जानकारी आपको दे दूं, बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर
हम ऑनलाइन क्लास लाने वाले हैं सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट और यूपी टेट दोनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास चलेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही क्लास चलने वाली है। बहुत ही धाकड़ ज़बरदस्त सी टेट के हर पोर्शन को कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे बाल विकास हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे गणित हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हर पोर्शन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।